सो हे गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि स्पाइडरमैन को किसी ने किडनैप कर लिया है और ग्रैनी के घर में उसे छुपा के रख दिया है। लेकिन वो ग्रैनी नहीं है, क्योंकि ग्रैनी को तो मैंने पिछले महीने ही मारा था, तो ये ग्रैनी तो नहीं हो सकती। कोई और है जो ग्रैनी के घर में स्पाइडरमैन को पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा। और आज हम लोग स्पाइडरमैन का रेस्क्यू करने वाले हैं, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और यहाँ पे मैं बाहर जाके देखता हूँ जो दरवाजा है वहाँ पे कोई है क्या, जब उसे खोल के देखते हैं। अरे भाई, ये तो नीचे जो बोट रखी है वहाँ पे जाने का रास्ता लग रहा है मुझे, और बस यही कमरा बचा है। चलो इसे खोल के देखता हूँ। हाँ? तो ठीक है, इसको खोलते हैं। पकड़ लिया। अरे हिप हॉप, इसका मतलब तूने स्पाइडरमैन को किडनैप किया है। जाने देना, काय को उंगली कर रहा है। अरे रुक जा, क्या सोचता है, दरवाजा बंद करके मुझसे बच जाएगा। अरे अभी तो था यहाँ पे, कहाँ चला गया? रूम के अंदर चल के देखता हूँ, ये गया कहाँ यहाँ से यार, कोई जगह भी नहीं है और ये चला गया। चलो ढूंढता हूँ, नीचे जाएगा कहाँ, घर में ही रहेगा ना। एक काम करते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। बेचारे तीनों बहुत ही दुखी हैं, इन लोग को नहीं परेशान करेंगे, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। स्पाइडरमैन को तो ढूंढना है। गाइस पता नहीं उन्होंने स्पाइडरमैन को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, और हमें यहाँ पे सेफ की चाहिए रहेगा जब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले स्पाइडरमैन को ढूंढना है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है। ए तुम जो कोई भी हो, चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो मैं अंदर आ गया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा। तो एक काम करते, दरवाजे को हटाते हैं और खोलते हैं आखिर कौन है ये। अरे भाई तुम ऐसे क्यों खड़े हो? अभी मैं खेल नहीं रहा हूँ, अभी होल्ड है मेरी। अरे तुम यहाँ पे क्यों आए? मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा, लगता है ग्रैनी आ रही है, मैं तो निकलता हूँ, तुम भी निकल जाओ। इसको बचाने के लिए तो मैं अंदर आया था, ये तो अपने आप ही भाग गया, अब मुझे कौन बचाएगा ग्रैनी से? बेटे बेटे बेटे, माफ कर दे।